हे गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। पेंशन होल्डर के लिए सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर जो पेंशन भोगी या पेंशन होल्डर या पेंशन पा रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि लंबे समय से पेंशन बढ़ाने को लेकर मांग चल रही है, आंदोलन भी हुए थे कई बार। और अभी जो पेंशन होल्डर की जो मांग है कि जो आपकी मिनिमम पेंशन है वो 7,500 रुपये होनी चाहिए, उसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में पेंशन होल्डर के लिए जो अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना और पेंशन की हर एक नई अपडेट पाने के लिए यूट्यूब पे सबसे पहले हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि पेंशन से जुड़ी हुई कोई भी नई अपडेट, कोई नोटिस अनाउंसमेंट कुछ भी आएगा, उसका वीडियो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट है, भोपाल की न्यूज़ है भास्कर की, जो जिसके बारे में बात करेंगे। ईपीएफओ ऑफिस से जारी होने लगे नोटिस, यानी ईपीएफओ के जो ऑफिस है वहाँ से कुछ नोटिस आ रहे हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। जिन्हें मिल चुके हैं उनसे वापस ली जा सकती है हायर पेंशन। यहाँ पे हायर पेंशन को लेके बहुत बड़ी अपडेट आई है। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के दायरे में आने वाले कर्मचारी अधिकारियों को हायर पेंशन के मामले में बड़ा झटका लग सकता है। जिनको हायर पेंशन मिल चुकी है उन्हें उनसे ये वापस ली जा सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के रीजनल ऑफिस से नोटिस जारी किए जाने लगे हैं। विशेषज्ञ कहते हैं ऐसी स्थिति में हायर पेंशन मिलने में नई मुसीबत आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ईएफओ के मुख्यालय ने 23 मार्च 2017 को हायर पेंशन देने के आदेश जारी किए गए थे। आपको पता होगा 2017 के अंदर एक हायर पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चला था और वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने हायर पेंशन देने को बात कही थी, लेकिन 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर लोगों को यह पेंशन दी जा रही थी। रीजनल कमिश्नर जो है अशरफ कामिल कहते हैं कि जिनकी हायर पेंशन बनी थी उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं, धारा 26.6 और 11.3 का विकल्प देने का उल्लेख। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों के बढ़े हुए डीए के भुगतान पर रोक लगाने का आदेश दिया है। अब जो है पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर्स के लिए जो है बैन हो गया था, आप देख सकते हैं जुलाई 2021 तक के लिए अनफ्रीज कर दिया गया था, आप देख सकते हैं आगे जो बाकी डिपार्टमेंट हैं जिसमें सेंट्रल पब्लिक सेंटर इंटरप्राइजेस के कर्मचारियों को भी बढ़े हुए डीए पर रोक लगाने का आदेश भारी उद्योग मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी किया गया है। मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना के चलते पैदा हुए संकट की वजह से 1 अक्टूबर से बढ़े हुए डीए के भुगतान पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। हालांकि 1 जुलाई 2020 को डीए में जो इजाफा किया गया था वह लागू ही रहेगा। इसके अलावा मंत्रालय ने 1 जनवरी 2021 और 1 अप्रैल 2021 से बढ़ने वाले डीए पर भी रोक लगाने का आदेश दे दिया है। और आगे आप देख सकते हैं मंत्रालय ने अपने निर्णय में कहा है कि अब 1 जुलाई 2020 से किए गए डीए को ही रिवाइज किया जाएगा। यही नहीं, मंत्रालय ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक बढ़े हुए डीए पर रोक रहेगी और भविष्य में उसका एरियर नहीं दिया जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि कर्मचारियों को डीए के भुगतान पर रोक से जो नुकसान होगा उसकी भविष्य में भरपाई नहीं की जाएगी। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस उन कंपनियों को कहा जाता है जो केंद्र सरकार के तहत आती हैं। इन कंपनियों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी केंद्र सरकार की ही होती है। इन कंपनियों में इंडियन ऑयल, एनटीपीसी और कोल इंडिया जैसी कंपनी भी शामिल हैं। आगे आप देख सकते हैं, बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से अपने सभी कर्मचारियों के जनवरी 2020 से बढ़े हुए डीए के भुगतान पर पहले ही रोक का आदेश दे दिया जा चुका है। सरकार ने मार्च के आखिरी सप्ताह में ही जनवरी से बढ़े हुए डीए के भुगतान पर रोक का आदेश दिया था। यही नहीं, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में डीए में इजाफे पर रोक का भी आदेश दिया था। अब जुलाई 2021 में ही केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में इजाफों के लेकर विचार किया जाएगा। और आगे आप देख सकते हैं, इसमें गौरतलब है कि केंद्र सरकार के आदेश के बाद यूपी, गुजरात, एमपी, तमिलनाडु समेत कई राज्यों की सरकारों ने भी कर्मचारियों को डीए को लेकर यह आदेश दिया था। यहां तक कि उड़ीसा और केरल जैसे राज्यों ने कोरोना संकट से निपटने के लिए फंड की कमी का हवाला देते हुए सैलरी में भी कटौती का फैसला लिया था। तो आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर्स के बाद में अब जो सीपीएससी यानी सेंट्रल पब्लिक सेंटर इंटरप्राइज जो होता है उनके जो कर्मचारी होती है उनमें बहुत सारी अलग अलग कंपनीज होती है, जिसमें आप देख सकते हैं इंडियन ऑयल होती है, एनटीपीसी होती है, कोल इंडिया होती है। इनके कर्मचारियों का डीए अभी तक फ्रीज नहीं हुआ था, अब फाइनली इनके कर्मचारियों के जो डीए और डीआर को जो है फ्रीज कर दिया गया है। तो बहुत तगड़ा झटका लगा सीपीएससी के कर्मचारियों के लिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा, इसको शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।